क्या नाम है? मेरा अजीत कुमार अग्रवाल नाम है। अजीत साहब, क्या लगता है कि किस तरह से एक नई सोच आपने सोची और गरीब कन्याओं के लिए शादी की सोच? इस कार्यक्रम का श्रेय और प्रेरणा ये श्री बद्री विशाल जी की देन है, उनकी कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या लगता है, पिछले एक साल से हम प्रयास कर रहे थे कि अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पे हम इस प्रोग्राम को करें, लेकिन मेरे को लगा कि शायद 25वीं वर्षगांठ पे ये प्रोग्राम करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी की शादी शायद उस समय पड़ेगी, ऐसा आभास हुआ। तो हमने इसको कहा बेटी की शादी तो हो जाएगी, पहले ये कन्या का विवाह किया जाए। तो हमने 11 कन्याओं को समाज की ढूंढा जिनके परिवार में इनकम ऑफ सोर्स बहुत कम थे, इसी के आधार पर हमने इनका चयन किया। जिन परिवारों की इनकम 5,000 रुपये प्रति माह की, एक आदमी की नहीं पूरे परिवार की इनकम 5,000 रुपये से कम थी, उन्हीं परिवारों को वरीयता दी गई और हमको 5-11 परिवार ऐसे मिले। इसमें अधिकांश कन्याओं के माता किसी के पिता नहीं है, एक कन्या ऐसी भी मिली जिसके माता पिता दोनों नहीं थे, उसको भी वरीयता दी हमने। और अपनी इच्छा शक्ति से अपनी जो हमसे बना हम कन्याओं को स्त्री धन के रूप में सम्मान दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और श्री भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि इन 11 जोड़ों को। क्या नाम है? मोनी। मोनी जी, क्या लगता है कि आज आपकी शादी हो रही है और ऐसी जगह पर शादी हो रही है? एक एक व्यक्ति है जिनका 21 साल पूरे हुए, उन्होंने आपकी शादी के लिए आपको चयन किया, आपके लिए लड़का देखा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, किस तरह से सोचती है? ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हम मतलब हम सभी लोगों के लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू उनकी वाइफ का और उनके बच्चों का और अंकल का, सभी का।